लाहौटा इस बार किस तरह सर देख रही है जो बजट बिला वजह 140 का नोटिस दे के तो डायरेक्ट अटैचमेंट करते हैं जो कि इलीगल है, हाई कोर्ट केस के ऊपर डिसीजन है। ईयर वन के लिए पहले भी उन्होंने दिया था, अब ट्रेडर के लिए फिक्स टैक्स रजीम का उन्होंने ऐलान किया है, आप समझते हैं ये कॉन्सेप्ट कामयाब होगा? आप लोग इसको मैनेज नहीं कर सकते, मैनेज इसलिए नहीं कर सकते आपके पास कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप क्या समझते हैं हमारी जो सिमत है हुकूमत की टैक्स निज़ाम में वो इस बजट में कुछ नज़र आई है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें जो टारगेट्स अपने फिक्स करने हैं उसके लिए क्या हमारे पास कोई स्किल्ड लोग हैं जो इकट्ठा कर सके। हमें टैक्स इस हिसाब से इकट्ठा करना है कि हमने हरासमेंट भी नहीं फैलानी और टैक्स भी लेना है। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन करना है, अगर रजिस्टर लोग ना उनके सिम भी बंद कर दी जाएंगी, उनके कनेक्शन भी मुनकता कर दिए जाएंगे, ये कानून और आइन की सूरत में हम जब इसको देखते हैं क्या ऐसा मुमकिन है? बात सिर्फ इतनी सी है सारी कि हमें लोगों को एजुकेट करना है, उनको टैक्स नेट में लेके आना है, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी है, उनको हमने उनके हार्श असेसमेंट्स नहीं करनी, हमने उनके ख़िलाफ़ मुनासिब से आर्डर पास करने हैं, उन्हें इस पोजीशन में लेके आना है कि वो टैक्स पे करें। नादरा का जो डाटा वो FBR के साथ शेयर करेगा उससे कोई टैक्स बेस में बेहतरी आएगी? FBR के पास नादरा का डाटा शेयर करने से पहले भी बेशुमार इन्फॉर्मेशन है, इनके 2 करोड़ लोगों का डाटा पास FBR के पास मौजूद है, वो टैक्स पेयर का मौजूद है, लेकिन आज तक साबित तो कुछ नहीं हुआ, क्या इससे नादरा से हम साबित कर सकेंगे? डाटा तो इनके पास बहुत सारे लोगों का है, बल्कि इससे भी ज़्यादा लोगों का डाटा इनके पास मौजूद है, लेकिन इनके पास मैन पावर नहीं है कि वो सारे को हैंडल। अवामी सहूलियात के लिए एग्जेम्पशन थी 1,515 अरब रुपए की, उसको कम करके 699 अरब रुपया कर दिया गया। जब बिजली के बिल ऊपर जाएंगे, महंगाई का तूफान उठेगा, तो फिर किस तरह आवाम किस तरह बिलबला नहीं उठेगी? आपकी जो डॉलर प्राइस है वो एक जगह पर स्टेबल नहीं है, फ्लक्चुएट कर रही है, और आप IMF प्रोग्राम ने डिसाइड नहीं कर पा रहे आपने कब जाना है, आप जा नहीं पा रहे, उस वजह से महंगाई का एक तूफान आएगा नया जो आम आदमी पर जिसका असर पड़ेगा। बशर साहब, को ऐसे नए टैक्स जो लगाए हैं इस दफ़ा, आप समझते हैं उनसे वो ऐसे नहीं लगने चाहिए? एग्जम्पशन जो है वो इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए हैं, उसको चलाने के लिए हैं। इस बजट के बाद इंडस्ट्रियल जो ये कंस्ट्रक्शन है या प्रॉपर्टी सेक्टर ये रुक जाएगा, ये चलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मार्केट वैल्यू के ऊपर ये आपको टैक्स लगना है। हर बंदे को ये फिक्र पड़ी हुई है कि मैं उसको सेल करूँ, उसको क्या करूँ, जब सारी दुनिया उसको सेल करने पर लग जाएगी तो इसका मतलब है कि मार्केट जिसकी जो प्राइसेज हैं वो नीचे आएंगी। IMF को हुकूमत से बजट के बाद खुश कर पाएगी? हुकूमत को स्टेप लेने चाहिए मिनी बजट के हवाले से, आप क्या समझते हैं, कोई ऐसा नज़रिया है? अगर मिनी बजट आएंगे तो उसमें आवाम के लिए कोई खुशखबरी होगी? वो बिल्कुल कोई खुशखबरी नहीं होगी। IMF ने तो हमें प्रेशराइज ही करना है।